हेलो गाइस, दोबारा से एक और न्यू वीडियो में। एंड मैं इतने टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि सम प्रॉब्लम से। एंड जो मैं शॉर्ट्स डाल रहा था वो मेरा पहले का कुछ कुछ ड्राइंग्स था ना, उसी को मैं वापस से वो उसी को मैं अपलोड कर रहा था। एंड आज के वीडियो में मैं करने वाला रिव्यू मेरे कुछ न्यू आर्ट मटेरियल्स के। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है मेरे कुछ दो आर्ट मटेरियल्स जो जस्ट मैंने अभी बाय करके आया। सो पहला है हमारा डोम्स है ट्रायंगुलर इरेजर, एंड दूसरा है आर्ट लाइन की शेडिंग पेंसिल। सो चलिए इस वीडियो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ गाइस। ये स्लाइड ऐसे करके ओपन हो जाता है एंड इसके अंदर हमारा इरेजर आता है, जो हमारे जैसे मैकेनिकल पेंसिल होता है उसी के टाइप से ये होता है इरेजर। इसमें हम ये पीछे का पार्ट प्रेस करने से ये होता है। एंड इसके साथ कुछ दो रिफिल आई है, तो टोटल हमारे पास 3 रिफिल हुआ क्योंकि एक इसमें लगा हुआ आता है। एंड अगर हमें इसमें रिफिल लगाना है, जैसे मेरी ये रिफिल ख़त्म हो गया, इसे जैसे मैं हटा देता हूँ। सो मैं इससे रिफिल निकाल कर नया वाले को एंड पीछे वाला देख सकते हैं, पार्ट ये आप खुल सकता है ऐसे प्रेस करके, हमारा खुल गया। एंड जो हमारा न्यू रिफिल है इसे हम इस होल के अंदर डाल देंगे। एंड उसके बाद देख सकते हैं जिसके ऊपर एक चीज़ है यहाँ पे, इससे हमारा ये पूरा सेट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बाय प्रेसिंग इट। सो अभी ये हमारा सेट हो गया है एंड आपको दिखाता हूँ निकाल के। फाइनली हमारी न्यू इरेजर भी इधर से निकल चुका है। सो इसे मैं आपको अभी कॉपी में अपने ड्राइंग कॉपी के में करके दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लाइट मीडियम एंड हार्ड कर दिया है एंड इसे मैंने हल्का सा साफ कर दिया है, थोड़ा सा यूज़ करके देख लिया है। सो पहले लाइट पे मैं देखता हूँ गाइस। लाइट पे तो बहुत बढ़िया से ये वर्क कर रहा है, आपको मैं बढ़िया से दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस, ये लाइट पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड अब मीडियम पे गाइस, मीडियम पे भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड हार्ड पे देखते हैं, यस गाइस, हार्ड में भी बहुत ठीक ठाक वर्क कर रहा है ये। बट इसमें देख सकते हैं आप, हल्का हल्का गाइस इसमें एजेस बच रहे हैं। एंड गाइस, हमारे नेक्स्ट टूल की बात करें जो है हमारा आर्ट लाइन पेंसिल। सो ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं आर्ट लाइन की शेडिंग पेंसिल्स जिसे मैं निकाल दिया है, तो मैं आपको अरेंज करके। सो गाइस, ये है हमारा HB पेंसिल, देख सकते हैं। नेक्स्ट ये, इसमें हमारे पास 6 शेड आते हैं। सेकेंड मेरे पास है एक 6B, 2B, 8B, 4B एंड फाइनल 10B। सो चलिए मैं आपको इसे शेड करके दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हमारी HB पेंसिल्स दिखा देता हूँ आपको। चलिए करते हैं इसे शेड यहाँ पे। गाइस, मैंने बहुत सारे बिगेस्ट आर्टिस्ट को देखा है, वो स्टार्टिंग में हमेशा आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करते हैं। वो तो जब उनका आर्ट थोड़ा सही हो जाता है देन वो यूज़ करते हैं कुछ और मटेरियल्स। सो मैं आपको इसको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमारा HB पेंसिल, यहाँ पे लिख देता हूँ HB ग्रेड। सो गाइस, नेक्स्ट शेड है हमारे पास 2B। तो मैं चलो शेड करता हूँ। सो गाइस, ये हमारा 2B ग्रेड एंड हमारा नेक्स्ट पेंसिल है 4B। सो मैं जल्दी से उसे ढूंढ के दिखाता हूँ। 4B, सॉरी। सो गाइस, ये रहा हमारा 4B। सो गाइस, ये लाइन बाय मिस्टेक हो गया। सो ये हमारा 4B शेड। गाइस, इसके पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क एंड ब्राइट है
एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ है। रिव्यू में दूँ तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये पेंसिल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेंसिल्स। नेक्स्ट ग्रेड है हमारा 6B। सो मैं जल्दी से 6B आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा 6B। चलिए 6B से शेड करके दिखाता हूँ आपको मैं। का 6B तो बहुत ज़्यादा ही डार्क हो गया गाइज। ये हमारा 6B। गाइज जब 6B इतना डार्क है देन 8B कितना डार्क होगा। सो मैं जल्दी से 8B निकालता हूँ। ये है गाइज हमारा 8B। होली शिट गाइज 8B बहुत 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 कभी बहुत डार्क पेंसिल्स है। एंड फाइनली 10B गाइज। अब देखते 10B तो बहुत कभी बहुत ज़्यादा होगा गाइज। 10B तो 8B का सेम वर्क कर रहा है। अब हम इन सभी को ब्लेंड करके चेक करते हैं। सो ये हमारा ब्लेंडिंग स्टम नहीं जुगाड़ से। सो गाइज ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो रहा है। वीडियो में आपको अच्छे से क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं अपने ट्राइपॉड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने ट्राइपॉड को रिपेयरिंग के लिए दिया है। बिकॉज उसमें वो उसका एक स्टैंड टूट गया था स्क्रूज के कारण। एंड गाइज ये हमारा फाइनल रिजल्ट। एंड गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।